अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जिसे मैंने यहाँ पे साफ करके और पीसेस में यहाँ पे काट लिया है। ये तकरीबन 2 किलो गाजर है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैं पूरी गाजर डाल दूंगी। यहाँ पे गाजर हमने कुकर में डाल दी है, अब हम इसमें डालेंगे। आज हम दूध नहीं डालेंगे इसमें, तो आज अब देखिए हमने क्या डाल के बनाते हैं। ये है मेरे पास दूध की मलाई, जो घर में दूध होता आता है उसकी खट्टी करी हुई मलाई है, ये इसमें हम डाल देते हैं। ये मलाई मैंने इसमें डाल दी है। हमने प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है। हम इसमें अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ मलाई डाली है और 3 से 4 विसिल लगा देंगे इस पे। कुछ भी नहीं डालेंगे दूध में, पानी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मलाई में ही बनेगा ये इंशाल्लाह। यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 विसिल लगा ली हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मलाई का दूध बन गया है। तो मैं अब इसको खुश कर लेती हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इसे गाजर हमारी गल चुकी है अच्छे से। जब हम मलाई डालेंगे तो हमें इसमें मावा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मलाई का टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें मावा डाला है। बस इसको हम खुश कर लेंगे, फिर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ गाजर को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि उसे हिलाने में थोड़ा हाथ जल रहा था मेरा, तो मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। इसे अच्छे से दिख भी जाएगा, देखिए यहाँ पे खुश होने शुरू हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना टाइम हमें गाजर को घिसना और फिर उसको दूध में पकाने में लगता है, उससे बहुत ही कम टाइम में ये हमारे हलवा तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें काजू है, बादाम, किशमिश और नारियल का बूरा, ये हम इसमें डाल देंगे। देख रहे हैं आप, जैसा ये लग रहा है कि हमने सिर्फ इसे गाजर को घिस के ही बनाया है। मलाई के दाने ऐसे बन गए हैं छोटे छोटे छोटे, तो इसमें लग रहा है जैसे हमने इसमें मावा डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम शक्कर। इसको मिक्स कर लेंगे। शक्कर को हम मिक्स कर लेते हैं और शक्कर को भी हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसे भी तकरीबन 5 या 10 मिनट हम इसको पका लेंगे।
देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे। ना तो ज़्यादा मेहनत लगी और झटपट तैयार हो गया हमारा गाजर का हलवा। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम मेहनत का। देखें आप, अब हम हमारे हलवे को डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है और आप भी ट्राई करें मेरे बताए हुए तरीके से। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैंने घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, और देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा घी वो हलवा बन चुका है।